दोस्तों अगर आप भी सूर्य कुमार यादव, मयंक यादव और हार्दिक पांड्या को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मैच में बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम ने बना दिए थे 207 रन, लेकिन मयंक यादव ने भी इस छोटे मैदान पर भी दिखा दिया आखिरकार अपना चमत्कार, लिए एक के बाद एक विकेट। लेकिन दोस्तों जब भारत की टीम उतरी 208 रन बनाने के लिए तभी मात्र 64 रन पर गिर गए चार बड़े विकेट। भारत पर था इतना दबाव कि मुकाबला हारने की थी कगार। तभी सूर्य कुमार यादव ने मुश्किल वक्त में भारत के लिए अकेले दम पर जड़ा शतक तो उनका साथ निभाकर हार्दिक पांड्या ने ऐसे पलटा हारा हुआ मैच अंतिम ओवर में 23 रन बनाकर कि देखने के बाद पूरा देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों भारत बांग्लादेश के बीच दूसरे टी20 मैच की पूरी हाईलाइट आपको दिखाएंगे और अंतिम ओवर का तो रोमांच देखे बिना कहीं भी मत जाइएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन अच्छा बल्लेबाज है, अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टी20 मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर शुरू हुआ, जहां इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर से टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों बांग्लादेश की टीम जब बल्लेबाजी के लिए उतरी तो यहां उनकी तरफ से पारी की शुरुआत एक बार फिर से लिटन दास, परवेज हुसैन, इमोन ने करी। हालांकि दोस्तों दोनों बल्लेबाजों से उम्मीद तो करी जा रही थी कि शानदार साझेदारी देखने के लिए मिलेगी और यहां पर ऐसा होता हुआ भी नजर आया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मात्र 4 ओवर के भीतर 50 रन जोड़ दिए थे और भारत की टीम दबाव में आ चुकी थी कि आखिरकार ये दोनों बल्लेबाज इतना भयानक प्रदर्शन कर कैसे रहे हैं। आखिरकार दोस्तों इस पिच पर आप तो जानते हैं कि बाउंड्रीज काफी छोटी हैं और बड़े शॉट लगाना काफी आसान हो जाता है और बांग्लादेश की टीम ने यही रणनीति अपनाई कि अगर स्लो बल्लेबाजी करेंगे तो विकेट जल्दी जाएगा और तेज बल्लेबाजी करके विकेट जाता भी है तो हमारे पास 10 विकेट हाथ में रहेंगे जिससे कि हम यहां बड़ा स्कोर बना सके। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 207 रन बनाकर भारत के आगे 208 रन का लक्ष्य रख दिया और टीम इंडिया पूरी तरह से हक्की बक्की रह गई। लेकिन दोस्तों यहां पर भारतीय टीम के लिए तो मुसीबतें तब बढ़ी जब भारत की टीम ने अपने शुरुआत के विकेट मात्र 70 रन पर ही गवा दिए थे और टीम इंडिया पर इतना दबाव था कि अंतिम ओवर में मैच जीतने के लिए भारत को 23 रन चाहिए थे और अंतिम ओवर करवा रहे थे मुस्तफिजुर रहमान। तो आप अब सोच लो कि अंतिम ओवर का रोमांच क्या ही हुआ था दूसरे टी20 मुकाबले में। दरअसल दोस्तों उससे पहले आपको आइए बताते चलते हैं कि बांग्लादेश की बल्लेबाजी कैसी रही। अब बांग्लादेश के लिए जब परवेज हुसैन, इमोन और लिटन दास उतरे थे तो दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर ये साझेदारी 58 रन पर समाप्त की, जहां 32 रन बनाकर लिटन दास के रूप में बांग्लादेश की टीम को पहला बड़ा झटका लगा। और दोस्तों छठे ही ओवर में यहां पर मयंक यादव ने एक और बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दे दिया, जहां उन्होंने परवेज हुसैन इमोन को भी चलता किया और वो मात्र 11 रन ही बना पाए। अब दोस्तों ये दो बड़े बल्लेबाज जैसे ही आउट हुए यहां पर बांग्लादेश की टीम अब हैरान थी कि आखिरकार स्कोर कैसे आगे और बढ़ाया जाएगा। अब नजमुल हुसैन, शंटू और तोहिद हरिदोई जब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतरे तो यहां पर इन दोनों बल्लेबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन कर डाला और यहां नजमुल हुसैन शंटू जहां 41 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं उनका साथ निभाने वाले तोहिद हरिदोई ने 10 रन की पारी खेली। लेकिन दोस्तों यहां उनको अपने जाल में वरुण चक्रवर्ती ने फंसाया और ये चार बड़े विकेट बांग्लादेश की टीम के 175 रन के कुल स्कोर पर ही गिर चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी तो असली मजा आना बाकी था क्योंकि महमदुल्ला और जाकर अली मैदान पर आ चुके थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पूरा मैच भारत के टीम से छीन लिया। दरअसल दोस्तों यहां 67 रन की पारी महमदुल्ला ने खेली तो वहीं 52 रन जाकर अली ने बना डाले। और दोस्तों आपको हैरानी होगी कि महमदुल्ला ने 67 रन मात्र 23 गेंदों में बनाए तो 52 रन की पारी जाकर अली ने मात्र 27 गेंदों में खेली और इसी के साथ बांग्लादेश की टीम ने 207 रन का स्कोर पार कर दिया और वो भी मात्र अपने 4 विकेट गंवाने के बाद। अब दोस्तों बांग्लादेश की टीम पर कोई भी दबाव नहीं था क्योंकि इस मैदान पर 208 रन बनाना काफी बड़ी चुनौती थी दूसरी बार बल्लेबाजी करते वक्त, क्योंकि दोस्तों मैदान पर किसी भी तरह की ओस नहीं आई थी और गेंद और पिच का संपर्क ऐसा हो रहा था कि यहां पर बल्लेबाजों को दिक्कतें पैदा होना बिल्कुल तय था। अब दोस्तों 208 रन बनाने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा उतरे, जहां इन दोनों बल्लेबाजों पर अब पूरा दारो
मदार था भारतीय टीम की नाक कटने से बचानी थी, क्योंकि दोस्तों भारतीय गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती ने जहां 2 विकेट लिए थे तो वहीं 2 विकेट इस दौरान मयंक यादव को मिले। बाकी पूरा गेंदबाजी क्रम तो भारतीय टीम का आज के इस मुकाबले में खराब ही रहा था, लेकिन दोस्तों अब टीम इंडिया के बल्लेबाजों की बारी थी पूरा हिसाब चुकता करने के लिए। और दोस्तों पिच तो आप जानते हैं छोटी है, तो इस मैदान पर चौके छक्के लगना तो लाजमी था। अब पहले ही ओवर में जब अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन उतरे तो यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने आते से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में जब 13 रन बटोर लिए थे तो हर किसी को पता चल चुका था कि बांग्लादेश की टीम अब इस मुकाबले में नई रणनीतियां जरूर अपनाएगी। और दोस्तों बांग्लादेश के कप्तान शंटू ने यही किया, उन्होंने अचानक से अपनी तेज गेंदबाजी को पलटकर दूसरा ही ओवर करने के लिए भेज दिया मेहदी हसन मिराज को। और दोस्तों मिराज ने आते से ही भारत को पहला बड़ा झटका अभिषेक शर्मा के रूप में दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अभिषेक शर्मा अपने आप को दूसरे ओवर में संभाल नहीं पाए और यहाँ तीसरी ही गेंद पर डीप कवर्स के ऊपर से छक्का लगाने के लिए गए अभिषेक शर्मा गलती कर बैठे, जहाँ गेंद का संपर्क सही से बल्ले से हुआ नहीं और गेंद हवा में उछल गई और कवर्स पर खड़े रिशाद हुसैन ने यह शानदार कैच लेकर भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दिया। अब दोस्तों अभिषेक शर्मा मात्र 10 रन बनाकर ही आउट हो चुके थे और यहाँ टीम इंडिया का विकेट गिर जाना भारत के लिए काफी चिंता का विषय था। अब यहाँ संजू सैमसन का साथ निभाने के लिए कप्तान सूर्य कुमार यादव उतर गए, लेकिन दोस्तों यहाँ सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन के बीच ये साझेदारी आगे बढ़ती उससे पहले ही 14 रन की पारी संजू सैमसन की भी यहीं समाप्त हो गई और यहाँ 2 बल्लेबाज भारतीय टीम के आउट हो चुके थे, एक 10 रन बनाकर तो एक 14 रन बनाकर। अब दोस्तों यहाँ टीम इंडिया पर दबाव काफी था। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी उतरे, जहाँ दोस्तों नीतीश कुमार रेड्डी और सूर्य कुमार यादव के बीच साझेदारी आगे बढ़ने की उम्मीद लग रही थी कि ये बल्लेबाज मिलकर 50 रन तो जोड़ लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ नीतीश कुमार रेड्डी मात्र 27 रन बनाकर ही आउट हुए और टीम इंडिया ने अपने 3 बड़े विकेट गवा दिए थे और भारत की टीम पर दबाव बन चुका था और हर कोई मान चुका था कि भारत यहाँ से मुकाबला नहीं जीतने वाला है। अब दोस्तों मैदान पर फिर एंट्री हुई रियान पराग की, जहाँ रियान पराग भी सूर्य कुमार यादव का ज्यादा देर तक साथ निभा नहीं पाए और 13 रन बनाकर वो भी आउट हुए और इस तरह से भारत ने अपने 4 बड़े विकेट तो मात्र 64 रन पर ही गवा दिए थे। अब दोस्तों सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या पर अब पूरा दारोमदार था भारतीय टीम के लिए बड़े स्कोर में इसको तब्दील करने का, जहां टीम इंडिया 64 रन पर ही ढेर होती हुई नजर आ रही थी। अब यहां से सूर्य कुमार यादव ने भी अपना बल्ला चलाना शुरू कर दिया, जहां सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने पूरा मैच पलटने का काम किया, जहां दोनों बल्लेबाज मुकाबले को ले जा पहुंचे अंतिम ओवर तक और मैच में अंतिम 6 गेंदों में भारत को जीतने के लिए 23 रन की दरकार थी। और दोस्तों यहां पर अंतिम ओवर करवाने के लिए उतरे मुस्तफिजुर रहमान और दोस्तों मुस्तफिजुर रहमान ने पहली गेंद यॉर्कर लेंथ पर डाली, जिसको खोद कर निकाला हार्दिक पांड्या ने और चौका बटोर लिया। और दोस्तों जैसे ही हार्दिक पांड्या ने यहां चौका जड़ा तो अगली गेंद पर उन्होंने सामने की तरफ छक्का जड़कर मुस्तफिजुर रहमान को बता दिया कि वो इस मुकाबले में हारने के लिए नहीं आए हैं। अब दोस्तों 4 गेंदें बची हुई थी, 13 रन चाहिए थे भारत को मैच जीतने के लिए। अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने डीप कवर्स की तरफ शॉट लगाते हुए 1 रन भाग लिया। अब दोस्तों 3 गेंदों पर भारत को जीतने के लिए 12 रन की दरकार थी और सूर्य कुमार यादव स्ट्राइक पर आ चुके थे, जो कि अपने शतक से मात्र 8 रन दूर थे। और इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने 4थी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों यहां भारत को मात्र 2 गेंदों में जीतने के लिए 6 रन की दरकार थी और दोस्तों गलती हो गई सूर्य कुमार यादव से कि वो 360 डिग्री अपना फेवरेट शॉट लगाने के लिए चले गए दूसरी गेंद पर और गेंद मिस हो गई, जहां भारतीय टीम अब हारने की कगार पर खड़ी हुई थी। अगर अंतिम 1 गेंद पर छक्का ना लगे तो भारत की टीम हार जाए। अब सूर्य कुमार यादव को हार्दिक पांड्या ने समझाया और दोनों की सहमति के बाद सूर्य कुमार यादव ने मुस्तफिजुर रहमान की वाइड यॉर्कर लेंथ गेंद को वाइड में खड़े होकर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और भारतीय टीम ने यह छक्का वसूल करके इस मुकाबले को अंतिम ओवर की अंतिम गेंद पर जीता। और दोस्तों भारतीय टीम की जीत के बारे में अब आप सभी की क्या राय और आप टीम इंडिया को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे ऐसी बल्लेबाजी के लिए और सूर्य कुमार यादव के शतक पर भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।